अमृतसर साहब और अमृतसर साहब दे मेहनती लोग दसा नौं दी कमाई करके अपने ते हजारां होर लोकां दे चुल्ले बालन वाले मेरे व्यापारी भरा छोटे वड्डे सब दा मैं सत्कार करदा। स्टेज दे उत्ते स्पैशली तुहाडे लई जदों भी बुलाइए अमृतसर साहब लई हाजिर रहिंदे ने देश दी राजनीति दी दशा ते दिशा बदलन वाले बहुत सारियां पार्टियां दे मैनीफेस्टो चेंज करन वाले पार्टियां नू संकल्प पत्र ते घोषणा पत्र तो गरंटियां ते लिआउण वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी एक बारी मैं ताड़ी चाहूंगा उन्हां लई। सारे मेरे मिनिस्टर साहबान बैठे ने एमएलए साहबान बैठे ने सारे ऑफिसर साहबान बैठे ने सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो सियाने कहिंदे आ जिथे समस्या उत्थे ही हल है। ये नहीं हो सकता समस्या कितें होर होवे हल कितों होर निकले। अज असीं तुहाडे कोलों समस्यावां भी ते नाल हल भी सुनना आए। सेठ साहब ने भी कहा दुग्गल साहब ने भी कहा कि पहली बार होया कि दो सीएम आए होण ते उन्हां दोनों कोले माइक ना होवे माइक लोगों को हो जिगरे ये जिगरा चाहिए जी इस काम वास्ते। जे तुसी कुछ गलत नहीं किया तां तुसी लोगों को माइक दे सकते हो। इदू पहलां ने कदे माइक फड़ाया थानू आपदी ओडी दूरों जिन्ना हुण कट है ना इन्नी कि तां डी बनाउंदे सी। फिर उस तो बाद लोग बहने शुरू होंदे सी। मेरा मैं जदों एम पी सी मेरा एक दोस्त सीगा पुलिस दे विच वड्डा अफसर मैं उन्हूं पुछया मैं कहा यार लीडर लोगों को मिलन आते हैं लोग लीडर मिलन आते हैं तो तुम एड्डी वड्डी डी बना दें एक उतों अगे तो शुरू होंगे ने लोग बहने दूर कर देने लोगों वो क्यों कर दे। मैं कहता जी कहू तो असी सिक्योरिटी रीजन कहने हों पर अंदरली गल हो रहा है। मैं कहा तू मैं अंदरली दस मैं कैसटा सीडिया भी अंदरलियाँ दसिया ने सारिया तू अंदरली दस। कहिंदा अंदरों गल यह है जी अकालियां कांग्रसी लीडर की गल करता सी कहिंदा इन्हां दीआं करतूतां इहो जिहीआं हो गईआं लोग अपने पैरां चों जुत्तियां ला के इन्हां दे मारन लग गए जुत्ती इन्हां दे मार पेंड असीं हो जांदे आं पंगा सानू पै जांदा है। हुण कहिंदे की करदे आं जदों वड्डा प्रोग्राम होवे जिथे सुखबीर बादल ने आना होवे मजीठिया ने आना होवे जिथे बाजवे ने जाना होवे है ना कैप्टन ने जाना होवे कहिंदे असीं पहली एक रात पहला ना स्टेज वाल नू जुत्ती सुट के देख लैने फिर होर पिछे हो जाने उतों सुट के देख लैने फिर होर पिछे हो जाने उतों सुट के देख लैने जिथों ज्यों जोर नाल जुत्ती सिटे ते भी स्टेज ते ना पहुँचती होवे असीं फिर फैसला करने इतों पाइपा लाओ ते इतों तक डी बनाओ ते अपना खैड़ा छड़ाओ बस। पर इत्थे डी नहीं हैगी कोई इत्थे तां ओ है। देखो तुसीं इकट्ठे बैठे हो टेबलों ते थानू आप भी शायद तुसी अमृतसर शहर च रह के भी उन्ने कट्ठे नहीं होए होंगे जिन्हें अज कट्ठे हो गए आपस एक दूजे नाल ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी विजिटिंग कार्ड शेयर होंगे गलबात होगी दोस्ती बधूगी। सो इस काम वास्ते आए असी असी कोई ये नहीं है कि असी कोई पांच बंदे मूहरों कह दिए तुसी बोल दो तो फिर असी बोल देंगे ना असी कोई नहीं असी देखो समस्यावां भी दसियां उन्होंने चलो तारीफ वो कर रहे हैं वधिया गल है जे कोई चंगा काम किया तारीफ भी होनी चाहिए है कोई कमी है तो वह भी दसनी चाहिए। 100% असी पंजाब दे नाल अरविंद केजरीवाल जी IRS अफसर ने इंडियन रेवन्यू सर्विस के अफसर ने इनकम टैक्स के कमिश्नर इन्हां दी धर्मपत्नी भी IRS ऑफिसर वह भी इनकम टैक्स कमिश्नर कहिंदे ने सुनिया कि इनकम टैक्स दे दफ्तर का तो चपड़ासी नहीं माण हुंदा कमिश्नर तो बोरियां भर के लेके जा सकता है पैसों दीआं घरें की लोड़ सी इन्हां नूं की लोड़ सी मोदी होरी रोज़ गालां देण लग जांदे आ की लोड़ सी आलोचना कराउण दी की लोड़ सी ईडियां दे सम्मन लैण दी चंगे भले वड्डे अफसर सी दोने मियां बीवी आराम नाल बच्चे पाल दे
मैं कलाकार सी, तुसी बहुत बारी मैनू देखा होगा शो च, लाइव भी देखा होगा, टीवी ते भी देखा होगा, की लोड़ सी? ताड़ियां मारदे सी लोग, भगवंत मान की सीडी आ गई लखां च विकदी सी, भगवंत मान का सीरियल आ गया करोड़ों रुपये फिल्मों से लैंदा सी, मैं की लोड़ सी बई? तड़की उठ के बाजवे हो रही मजीठी हो रही मैनू गाला कढ़न लग जांदे ने, की लोड़ सी? लोड़ सी, लोड़ सी। सोचा कि भगत सिंह जी ऐ सोच लैंदा कि आपां की लैणा है, बहुत ज़्यादा ने अंग्रेज, ये आपां तो निकलने नहीं, तो उम्र 17 साल सी, तो उन्होंने फिर धार लिया ना, तो फिर आजादी आ गई ना, फिर जो वह सोच लेंदे की लोड़ सी, फिर आप आजाद नहीं होने से। सो उन्होंने कदम चिन्ह से चल सकते हैं ना, जो उन्होंने वर्गे नहीं बन सकते घटो घट उन्हें पिछे तो चल सकते हैं ना। आ लोड़ सी, अज भी लोड़ है देश में, असी पैसे कमाने वाले काम छड़ के आए हैं जी। मैनू पत्रकार कहिंदे जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, इस कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़ों के दिमाग खराब हो जाते हैं, आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ, 2 साल हो गए। मैंने कहा फर्क इतना है, जो पहले वाले थे वो बैठकर कुर्सी पर बैठकर फेमस होते थे, मैं फेमस होकर कुर्सी पे बैठा हूं। मैनू कोई शोहरतों की लोड़ नहीं, मैनू अखबार च टीवी च अपनी शक्ल दिखाने का चा नहीं है, मैनू चा है, शौक है पंजाब के लोगों की दशा ते दिशा बदलन का, जनरेशन चेंज करन दा। क्यों भज के जाइए कनेडा, क्यों जाइए अमरीका, क्यों जाइए न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया, बर्फा पैंदियां उत्थे, बगाने मुल्क ने, ना मौसम साढ़े हक का, ना भाषा साढ़े हक की, इत्थे फिर बाद उत्थों इधर नूं फोन करी जांदे रहिंदे आ, ओ एयरपोर्ट तो छड़ के मामा रोंदियां आउंदियां ने, जहाजां दे जहाज भर के चले जाए, किहदे करके चले गए? ना तो धरती कोई उपजाऊ शक्ति घटी है, ना ही लोगों की कोई मेहनत करने की शक्ति घटी है, किहदे करके चले गए बाहर लोग? सिस्टम करके। सिस्टम किन्हां दे हाथ सी? आ दो पार्टियां दे, घट्टो घट पिछले 25 साल तो दो बंदियां दे हाथ सी, कैप्टन ते बादल। इन्हां ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि साड़ी जवानी सारी बाहर भजन लग गई। जो वित्त मंत्री सी हर रोज कहें खजाना खाली है, खजाना खाली है। 2 साल हो गए, 16 मार्च में 2 साल हो जाएंगे, तुसी कदे मेरे जाके मेरे किसी मंत्री के मुंह सुने कि खजाना खाली है? क्यों खाली है भाई? नीयत खाली सी असल च उन्हां दी, खजाना नहीं खाली हुंदा कदे भी, खजाने च बहुत कुछ हुंदा, लोगों का दिता पैसा हुंदा उच, लोग 24 घंटे टैक्स देंदे है, 24 घंटे टैक्स देंदे लोग। तुसी पुछोगे किवें? सवेरे उठदे आ चाह बनाउने आ, पत्ती पाउने आ टैक्स, खंड पाउने आ टैक्स, दुध पाउने आ टैक्स, आलू का परौंठा बनाउने, आटा ते आलू दोनों ते टैक्स, फिर फोन करते हो टैक्स, शहर जाने हो कार ते जां मोटरसाइकिल ते डीजल पेट्रोल ते टैक्स, घरों उतों सब्जी लियाउने हो टैक्स, आके दुध पीने हो टैक्स मिल्क ते, फिर उतों बाद शाम नूं थोड़ा रिलैक्स जे होके पखे थले पै के सोचते हो भी हुण नहीं टैक्स, ना ना ना, पखा चली जांदा उपर, बिजली का टैक्स, तुसीं तां सुत्ते पए भी टैक्स दे जाने हो, फिर खजाने किवें खाली हो गए इहनां दे? खजाने कित्थे खाली हो गए दसो? पिछले 20 साल च कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई सरकारी कॉलेज बनाया, कोई सड़क बनाई? सड़कां सारियां प्राइवेट कंपनियां नूं बेचियां ने, मैं कर रहा टोल प्लाजे बंद, 12 टोल प्लाजे बंद करते जिहड़े ज़्यादा देर चल रहे सी, इन्हां ने उन्हां नाल हिस्सा पाया होया सी, तू कमाई चल मैनूं सानूं इन्ने दे दे, उही उम्मीद लैके साडे कोले भी आए सी वह टोल प्लाजे वाले, 242 दिन दे दो जी, 100 दिन थोड़ा। मैं कहा तुसीं 100 दिन की गल कर दो, बिस्तरा चको रात नूं अज 12 बजे। हाँ, ना कोई सड़क बनाई, ना स्कूल बनाया, ना अस्पताल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई, फिर पैसा कितने लग गया? खजाना खाली किवें हो गया? 3.5 लाख का कर्जा छड़ के गए, 3.5 करोड़ का, कितने लग गए पैसे? हो दसा आ, परसों चौथे दसा तो है जी, सुख बिलास बनाया 7-स्टार होटल, उहदे विच आ तुसी जिहड़ियां छोटे छोटे मंगा ने ना थोड़िया, तो उहदे स्टेट की GST ते वैट फ्री फॉर 10 ईयर्स, किन्ना पैसा? 85 करोड़ 44 लाख समथिंग,
10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ, ਵੈਟ ਮਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, 2017 ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, OTS ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਖਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਨੂਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੱਕ 7-star ਜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਫਿਰ, ਜਿਹਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ, 11,44,00,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ? ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਇਹ 11,44,00,000 ਦੀ ਉਹ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ, ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲੇ। 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਦਬਦਬਾ। ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸਾਈਨ, ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਫੜਾ ਦਿਉ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ? 1,08,70,60,000 ਰੁਪਇਆ, 108,00,000 ਕਰੋੜ। ਮਾਫ ਕਰਾ ਗਏ ਜੀ ਆਪਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਈਕੋ ਮੈਟਰੋ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਈਕੋ ਮੈਟਰੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ, ਈਕੋ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਆਉਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੋਟਲ। ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਬਈ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੂਗਾ। ਰਾਜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਕੰਮ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, 1,85,500 ਉਹਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਨੇ, 85,000 ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਲ ਨੇ, 5,500 ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਡਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਟਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਬਈ? ਸੁਖਬੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਸਯੂਜ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ, ਆਖਰੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੈੱਕ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਯੂਜ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ ਯਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਭਰਾਓ, ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਟੂਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਸਾੜਾ ਬਚਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਵੜੇ ਕੈਰੋਂ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਆ ਬਚਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਵੜਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਵੜਿਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿੰਗ ਤੜਿੰਗ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 25 ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਲੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ
और होर दसो, होर दसो, मैं सवाल भी पहला दस दूंगा बस, कि मैं सवाल छोट बहुत सौखे पाऊंगा, जिवें मैं सवाल इन्हां दस दूंगा कि आ सवाल पावांगे, पंजाब की राजधानी केड़ी है, इन्हां नूं भी पता चंडीगढ़, मैनू भी पता इन्हां नूं पता चंडीगढ़, पर लिखू कौन पंजाबी च, आई तो पंगा, आई तो पंगा, पढ़ता लैणगे लिखणगे किवें, यह पंजाब के नंबरदार बने फिरदे यार, कि पंजाब असियों बचाउणा हुंदा, पंजाब की गल बई, असी पंजाब के कुछ लगते नहीं, असी पंजाब की मिट्टी चो निकले हुए हाँ, असी भी पंजाब के पुत हाँ, सानू कुर्सियां ते बहना नहीं आता, ज सानू वोटा नहीं मंगनिया आदियां, ज सानू लोग वोटा पाते नहीं पाइया, फिर हुण दुख इन्हां नूं इह गल दा नहीं हैगा, इस गल दा दुख नहीं कि सरकार बदल गई, ज होर दुख इस गल दा है कि आम करन दित्तियां पोता कुर्सियां ते क्यों बह गए, आही दुख है बस, होर कोई दुख नहीं। तीजे दिन कहिंदा सुखबीर बाद मानहानि दा, भगवंत मान ते करूं, वह मैं क्या पहला माण तो बना ला, हानि तो बाद च हो, माण ही तो है नहीं, हूँ भी कहता उन्हें, कहने को हफ्ते के अंदर अंदर माफ़ी मांग ले सुख विलास बारे, नहीं तो माण हानि तो करा, मैं अज थोड़े सामने कहना, मीडिया भी खड़ा होगा, हफ्ता ज्यादा है, तुसी मेरे ते एवें टाइम वेस्ट ना करो, तुसी कल ही कर दो, मैं माफ़ी मुफी नहीं मंगनी, मैं तो पंजाब वालों बोलूँगा, मैं पंजाब वालों वकील बन के जाऊँगा, मैं दसूँगा थोड़ा, हजे हजे तो कुछ भी नहीं, हजे तो शेर चो पूनी कत्ती है, हजे तो बहुत कुछ पिया, चरखा डाया हजे तो, क्या ट्रांसपोर्टा, क्या हवेलियां, क्या ढाबे, छड़े ही कख नहीं यार। देखो लीडर की इमेज की होंगी है, केजरीवाल की इमेज है भी, केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बनया अज तो 20 साल बाद 50 साल बाद गल्लां होणगियां, जिस वेले केजरीवाल मुख्यमंत्री बनया उस वेले स्कूल अच्छे बन गए भी दिल्ली के, उस वेले भी हस्पताल बहुत वधिया बन गए सी, उस वेले भी आ बिजली फ्री, इमेज है लीडर एक इमेज बनाउंदा है, इहनां दी की है सुखबीर बादल होरां दी की इमेज है, तुसीं ऐं करो झूठ बोल दो, आ कांग्रसियां दी भी बिच ही है, इक्को जी ने रले हुए ने आपच, ते झूठ बोल दो किसे बजुर्ग कोल जाके कि ताया पटियाले दे फुहारा चौंक च ना एक पप्पू समोसियाने दी रेहड़ी है, एक दिन सुखबीर बादल का काफिला जांदा सी, रेहड़ी तो बहुत कट सी, सुखबीर बादल ने पूछ लिया आपदे पीए नूं, कहिंदा कौन है आ कौन कित्थे कट है, पीए कहिंदा जनाब गल की करदे हो, जे पप्पू समोसियाने दी रेहड़ी तो कट नहीं होगा पटियाले, फिर होऊ कित्थे, 3000 दे समोसे रोज बेचदा, कहिंदा अच्छा भाई झूठ बोल दो तुसीं बजुर्ग नूं, अच्छा भाई शेरा फिर की होया, होना की सी, पा लिया हिस्सा फिर रेहड़ी च, ते हुण 3000 चो 1500 पप्पू दा है, 1500 बादल के पप्पू दा है, लै वह बजुर्ग जिहड़ा वो थोनू ये नहीं कहूगा कि क्यों झूठ बोली जाना यार, उन्हां कोले बसा ट्रांसपोर्टा वाले जहाजा वाले वह हजारा एकड़ जमीन वाले किन्नुआ दे बागां वाले बंदे ने वो यार समोसिया की रेहड़ियां हिस्सा पाउणगे क्यों झूठ बोली जाना, ना 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 वो बजुर्ग कहूगा पा लिया होना इन्होंने पुछो मंडी भी मूंगफली वाली रेहड़ी दबी है इन्होंने, आ इमेज लेके जाऊंगे यार इतों, तुम हद है यार की धर्मराज नाल गल होगी थोड़ी कि थोड़े वाले पैसे तह आ जाएंगे, ये लोगों का पुन खट लो कोई गाँव गरीबों की हाँ ले जाने हो यार, गरीब की हाँ तो परमात्मा की दरगाह सीधा रस्ता बई कोई बाईपास नहीं है, आओ गुरां की धरती पर बैठे झूठ नहीं बोलता, मैं लुट के खा गए पंजाब नूं यार, फाइलां देख के रोना आता मैनू कि अच्छा यार आ फैसला कर लिया इन्होंने, पता ही नहीं कई फाइलों का तो कि कितने कितने किमें किमें गबन कर गए बड़े बड़े, जदों सोचा आपके परिवार बारे सोचे कदे पंजाब बारे नहीं सोचे, आम आदमी पार्टी सरकार आई है अरविंद केजरीवाल जी की रहनमाई है, ईमानदारी इन शर्त पहली है, ईमानदारी ना चल रहे हैं, ते आज खजाने च भी पैसा है, बजट पेश करांगे परसों नूं देख लियो तुसीं, साडा 2 साल का भी देख लियो कि 2 साल च असीं किन्ना एक्साइज च GST च स्टैंप पेपर जिहड़ा स्टैंप का जिहड़ा मनी हुंदी है वह रेवन्यू डिपार्टमेंट का जां फिर वहीकल रजिस्ट्रेशन जी वो सब दे विच ग्रीन आ सी, ग्रीन किवें हो गए भी ग्रीन 2 साल च, पर हाँ पुराना नाल लैके चल रहे हैं 2.5 लाख तो जो वे पाने तो घाटे च बन जाने, कोई गल नहीं टाइम लग जूगा, पंजाब बहुत बारी डिग्गिया है पर पंजाब बहुत बारी उठा भी है, पात्र साहब ने कहा
की होया जे पत्त चढ़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी सो जमीन रखियो कलमे लभ लांगे सियाणे बंदे सच्चे बंदे लीड कर रहे ने और देश नूं भी लीड करना है परमात्मा कृपा करूगा चक्की ने इन्हां ने 26 जनवरी च इस बार पाई पंजाब वाली मैं इतराज प्रगट किया होम मिनिस्ट्री को भी पंजाब तो बिना तुसीं किवें कढ लोगे आजादी दे दिहाड़े बई सर कुरबानियां तो साडियां ने सारियां भगत सिंह जी तो लैके माई भागो दा विचों दे जिक्र सी नाल जिहड़े लाला लाजपत राय जी करतार सिंह सराभा गदरी लहर कूका लहर सारे सी तुसीं क्यों करता है मैं जदों कहा भी इह तां गलत गल है मैं तां फिर सारे पंजाब च दिखाऊंगा हुण इहनां नूं हुण सारे पंजाब च फिरदियां ने झाकियां कदे किसी पिंड जांदियां कदे मैं 8-9 बना लिया हुण पहले तो एक ही सी मैं इत्थे तां दिखाउण तों रुक सकदे ना तो वो लोग बहुत खुश ने मैनू सीएम साहब लैटर आया इन्हां दा होम मिनिस्ट्री दा कहिंदे जी ये 26 जनवरी वाला मुद्दा उठाना बंद कर दीजिए हम आपसे वादा करते हैं अगले 3 साल के लिए 15 अगस्त अगली 26 जनवरी अगली 15 अगस्त अगली 26 जनवरी 3 साल के लिए पंजाब की झांकी जो है वो इसमें शामिल होगी ताड़ियां का कोई फायदा नहीं जो जवाब मैं दिता मैं क्या इन्होंने पूछो मैं अफसर क्या इन्होंने पूछो अगली 15 अगस्त तक तुम होंगे तुम साड़िया झाकिया की गरंटी ले जानो थोड़ी आपकी गरंटी है नहीं की पता अगले 15 अगस्त में फैसले असं भी करते हुई है की पता परमात्मा का किते किड़े रूप च मिल जाए सो ये हंकार च ने अज भी सीएम साहब मैनू कह रहे थे अज कहिंदे कैबिनेट की मीटिंग है आखिरी मीटिंग है वैसे तो धन्यवादी मीटिंग है कोई फैसला नहीं लेना कहिंदे मोदी जी 100 साल का विजन दिखाएंगे देश को ओहो 100 साल का वो मैं क्या जी दसो लोग ये सोची जाते हैं भी है कि मई किवें कट्टणगे लोग दुखी होए पए ने इन्ना झूठ यार इन्ना झूठ कोई तो सच बोल दो थोड़ा बहुत तो कदे सच बोल दो कदे किसी की सरकार तोड़ती कदे किसी की सरकार तोड़ती कदे किसी चंडीगढ़ वाला मेयर देखिया किवें वोटा गिणी असी देखिए बीजेपी का जिहड़ा वर्कर सी अनिल मसीह वोटा किवें गिणदा सी हद है जो चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ने कहा कि करिए ना तू कहिंदे जी वोटा खराब सी इह तां करके निशानी लाई सी वह कहिंदे लिया कढ़ के दिखा जो कढ़ियां कहिंदे गिण इन्हां नूं हुण कित्थों खराब ने उही गिणियां सुप्रीम कोर्ट ने इतिहासक फैसला दिता कि अज ही अनाउंस करते हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर होगा चंडीगढ़ वो 36 वोटा नहीं गिणिया यार 36 वोटा चो 8 रद्द करती साडिया जे 36 चो 8 रद्द करती मतलब 25% आ मई के एंड च 92 करोड़ वोटा गिणनिया ने जी उदों की हाल होगा दे मैं चिंता तो इस गल की है इदा कर लोगे यार तुम वोटा न जित जाओ नो प्रॉब्लम फतवा ले लो लोगों का सिर मत्थे मन्नांगे पर घट्टो घट ये ना करो कि लोगों ने कुछ होर फतवा दिता तुम कुछ होर बदल लिया ये थोड़ी चलूगा डिक्टेटरशिप मैं तो बोलता सी पार्लीमेंट च मैं कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो स्याही सूख जाती है 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो स्याही सूख जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो कलम रुक जाती है हर बात ही जुमला निकली मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है मैंने लगता चाह भी नहीं बनानी आती होनी शर्त ला लो मेरे नाल वो भी नहीं आती होनी जो झूठ तो झूठ चल रहा देश नाल यार एडा वड्डा देश है मल्टीकल्चर देश है बगीचे च तुसी मैं दसो बगीचे च बगीचा केड़ा चंगा लगता है जिहदे च इक्को रंग दे फुल होण जां जिहदे च रंग बिरंगे फुल होण केड़ा बगीचा चंगा लगता है जी रंग बिरंगे ये कहिंदे कल्ले साडे वाले रंग होवे बस सारे देश च होर रंग ना होवे किसे दा तमिलनाडु केरला बंगाल झारखंड दिल्ली पंजाब जो लाए ने गवर्नर साडे ते तंग करन नूं की गल इह 5 स्टेटां च लोग नहीं बसते की गल इन्हां 5 स्टेटां च कोई कुरबानी नहीं दिती देश भगती च कमी है कोई जां कोई 2 दर्जे दे सिटीजन ने बस यही है कि इन्हां 5 स्टेटां साडी सरकार क्यों नहीं हैगी सो इसे करके अज आए हैं थोड़े कोल
ਤੁਸੀਂ 13-0 ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡੇਟ ਹੋਊਗੀ 8:30 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਪਕਸ਼ ਮੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 13-0 ਹੋ ਜੇ। ਮਜਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਮਜਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਉੱਥੇ 10 ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, 13 ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6-7 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਆ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 25-30 ਹੋ ਗਏ, ਮਜਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, 92 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਹ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਝਾਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ MP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ? ਇਕੱਲਾ ਰਿੰਕੂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। 5 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਨੇਡਾ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਲੈ, ਬਰਫ਼ ਕਨੇਡਾ ਪੈ ਗਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜਾ ਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ? ਹੈਂ, ਉਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ, ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ
इहनू दे दूंगा। एंटी कलॉक चलता जी, मैं क्या पहले ने की करते रहे, आ जिहड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है इहनू आपदे कोल बुलाते रहे, जिहड़े आ ने लोग ये फिर लीडर के घर मूहरे नारे लाते रहे, टैंकियां ते चढ़ते रहे, धरने देंदे रहे, आ फर्क है बस। सो मेरा मकसद है तुसी दो यूनिट की प्रवानगी मंगोगे, मैं तीन यूनिट की प्रवानगी देऊंगा, पर मेरे 500 की बजाय 700 मुंडे कुड़ियों काम दे दो बस। मैं हत्थां चो टीके खो के टिफिन फड़ाने चाहना, मैं पंजाब नू दोबारे पंजाब बनाना चाहना, रंगला पंजाब बनाना चाहना। सानू लंडन पैरिस कैलीफोर्निया बनाने की लोड़ नहीं, पंजाब ही सानू साडा मोड़ दो, गुरुआं की धरती, फकीरां की धरती, पीरां की धरती। सो मैं कदे भी अपने आप नू ये नहीं समझिया कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, पता नहीं की हो गया, कुछ नहीं फर्क पिया जी मेरे च, मैं वह है जी। जी जी नहीं तोड़ियां जड़ियां निक्के निक्के थौड़ियां ते छोटे थोड़ियां फूकां ने ना, वो फूकां जड़ियां ने तुसी मारदे हो जदों बनाउंदे हो गहने, तां वो पंजाब नू भी इदां दा एक गहना बनाउणा है। भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, सो नग जिहड़ा पंजाब दा उहनू उहदी उहदी चमक आपां फिक्की नहीं पहन देणी। देखो अग तक मार दो, एक पासे तां आ प्यार है कि आप ही खड़े होके आके दुआवां देण लग गए, मावां मिलदियां सिर पलोसदियां, भैणां दुआवां दिंदियां, नौजवान मुंडे मोढे ते हत्थ धर के सैल्फियां खिचाउंदे आ, एक पासे तां आ प्यार है। दूजे पासे अकाली कांग्रेसी लीडर है, उहनां नाल एक वारी हाथ मिला के बाद च उंगलियां गिणनियां पैंदियां ने, पूरियां ने जां लै गए कदी, इह जिहा तां भावें रब ना ही करे यार। मैं तो परमात्मा अगे ही अरदास करदा, परमात्मा जिन्नी क इज्जत बनाई है भावें बधाई ना, पर इन्नी क बनाई रखी किसी ते काम ही आईए, किसी का चुल्हा मेरे करके जो ठंडा ना होवे, जे मेरे साइना करके चुल्हा बलदा होवे, तो ये तो बड़ा कोई पुन नहीं। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, मैं थैंक यू। एनओसी वाला खत्म करता, हाँ जी एनओसी वाला खत्म करता सारा। तुसी लिख के दे, हाँ वाह मैडम लिख के दे, मैं आप ही ले लू, बिल्कुल तुसी फिक्र ना, फिक्र ना, बस हो गया, आ गया आ गया। हुण मैं बेनती करूंगा, एक ऐसे नेता नहीं कहूंगा मैं, एक ऐसे व्यक्ति दा जिक्र करूंगा मैं जिन्हें राजनीति च आके दहाड़ मारी कि आओ मेरे नाल आप देश बदलीए, आप राजनीति करनी नहीं राजनीति सिखानी है। बिल्कुल सही साबित होया, राजनीति कीती नहीं सिखाती। आम आदमी पार्टी बनी 10 साल होया, सिर्फ 10 सालों च 2 स्टेटां च सरकार है, 10 साढ़े राज्यसभा च MP ने, 1 साडा लोक सभा च है, हुण शुक्र सुख नाल 13 होर हो जाणगे पंजाब चों, 5 MLA साडे गुजरात तों ने, 2 MLA साडे गोवा च ने, 10 सालों च फास्टैसट ग्रोइंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री नैशनल पार्टी बन गई, झाड़ू ऐसा चक्या कि सफाई करते ही जाता है जिथे भी जाता है। सो मैं बेनती करूँगा एक ऐसे शख्स नूं जिन्हां ने देश की दशा ते दिशा बदली और बदल रहे ने, वो परवाह नहीं करते, लख इधरों इधरों उधरों बार बाछड़ा होंदियां, मैं उन्होंने वास्ते तो यही कहूँगा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। केजरीवाल साहब तुहाडे लई शेर है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं,
आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल साहब प्लीज आप। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच में मौजूद हमारे मंत्रीगण, यहाँ पे आए हुए सभी एमएलए, सभी ऑफिसर्स और अमृतसर के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी और सभी उद्योगपति भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज आपके बीच में आके दिल खुश हो गया और उसके कई कारण हैं। इसी हॉल में हम कई मीटिंग्स कर चुके हैं पिछले 5-6 साल में। चुनाव के पहले आया करते थे और यहाँ इतना दुख और इतना लोग इतने दुखी होते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, हम गारंटी देते थे और कोई अंत नहीं था समस्याओं का और कोई दुखी होने का। उसके बाद हमारी सरकार बनी, धीरे 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 जब हमारी सरकार बनी इतनी सारी समस्याएं थी 75 साल की। 75 साल में इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पंजाब के लोग एक तरह से चक्की होती है, चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस रहे थे, एक कैप्टन और एक बादल, इन दोनों के बीच में पिस रहे थे। पर विकल्प नहीं था, कोई ऑल्टरनेट नहीं था, किसके पास जाते, एक बार बादल एक बार कैप्टन, एक बार इससे नाराज एक बार इससे नाराज। फिर ऊपर वाले ने कुछ कृपा की और इस देश के अंदर एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी। पहले दिल्ली के अंदर सत्ता आई, उसके बाद पंजाब के अंदर दिल्ली की महक आई कि दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं और पंजाब में आप लोगों ने जिम्मेदारी दी। सरकार बनने के बाद भी इसी हॉल में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। जब आते थे तो शुरू शुरू में उम्मीदें इतनी ज्यादा थी, लोगों को लग रहा था बस सरकार बन गई अब 24 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों को समझाते थे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, करते 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 आज लोगों के अंदर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। लोग खुश नजर आ रहे हैं, उद्योगपति खुश नजर आ रहे हैं, व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। कई सारी, मैं ये नहीं कह रहा समस्याएं सारी दूर होगा, अभी बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं दूर करनी है, लेकिन आज लोगों के चेहरे पर खुशी है। वो कह रहे हैं सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी ये बाकी है। और जिस तरह से समीर जैन साहब भावुक हुए, उनको देख के मैं भी भावुक हो गया। मुझे भी लगा वो उनकी फीलिंग्स थी, वो उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की। जिस तरह से और सभी दुग्गल साहब, शर्मा जी, मैं देख रहा था, नोट कर रहा था मैं कई सारे, जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सबने कोई बनावटी नहीं कर रहा था, सब अपने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि आज जिस तरह से हम दो मुख्यमंत्री आपके सामने बैठ के आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समाधान भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा केवल सुन के चले जाएंगे, जितनी बार आए हैं आपकी समस्याएं, 100 समस्याएं देते हैं, हम कोशिश करते हैं सारा समाधान करने की, कुछ रह भी जाती हैं उनका भी समाधान होगा। आज भी आपने जितनी समस्याएं दी हैं उनका भी समाधान होगा, लेकिन क्या 75 साल में कभी किसी सरकार ने इस तरह से बैठ के आपके साथ बातचीत की नहीं की? उन्होंने कभी आपको अपने बराबर समझा ही नहीं। पहली बार एक सरकार आई है जो इस तरह से आमने सामने बैठ के बात कर रही है आपकी समस्या। हम आपकी इज्जत करते हैं, पुरानी सरकारें आपको चोर समझती थी, पुरानी सरकारें समझती थी व्यापारियों से जितना चूस सकते हो चूस लो। आपकी याद कब आती थी? उनको चुनाव में याद आती थी। किस लिए याद आती थी? डोनेशन के लिए याद आती थी। अपने लोगों को भेजती थी, ये पार्टी भी भेजती थी, वो पार्टी भी भेजती थी, इस मार्केट से इकट्ठा करके ले आओ, उस मार्केट से इकट्ठा करके ले आओ, इस एसोसिएशन से इकट्ठा। हमने कभी नहीं भेजा आपसे पैसे इकट्ठे, कोई आया तो नहीं पैसे लेने आम आदमी पार्टी वाला? हमने कभी नहीं भेजा, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, जो आज तक हमें मिलता रहा है। पिछले 2 दिन से मैं पंजाब में घूम रहा हूं। कल हम लोगों ने 165 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, एक साथ 165 मोहल्ला क्लिनिक, कोई छोटी बात नहीं होती। 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है? एक सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पंजाब के पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का क्या हाल होता था, मैं और भगवंत मान जब घूमा करते थे चुनाव के दौरान,
एक दिन एक गांव में गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर हमने गाड़ी रोकी, सारे कमरे लॉक पड़े हुए थे और कुत्ते घूम रहे थे वहां कॉरिडोर में। ये था हाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब मोहल्ला क्लिनिक जाके देखो, अभी दुग्गल साहब ने बताया वो गए थे मोहल्ला क्लिनिक। आप में से कितने लोगों ने देखा है मोहल्ला क्लिनिक, कितने लोग गए? अच्छा था कि नहीं था? अच्छा है कि नहीं है? किसी को लगा कि गड़बड़ है? शानदार मोहल्ला क्लिनिक, एयर कंडीशन, अंदर मॉड्यूलर फर्नीचर, टैब लेके बैठी हैं वहां पे हमारी बहनें, और वो उसमें रजिस्ट्रेशन करती हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आप दवाई लेने जाते हो, सारी दवाइयां फ्री, और इतना बढ़िया अंदर वातावरण, लगता नहीं है कि सरकारी महकमा है, लगता है कि फोर्टिस या मैक्स या अपोलो अस्पताल के अंदर आ गए। इतना शानदार 829 मोहल्ला क्लिनिक केवल 2 साल के अंदर बन के तैयार हो गए, पूरे पंजाब के कोने कोने के अंदर लेके जाएंगे। अगर आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हो, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सारे अमीर लोग हैं, भगवान ने काफी कुछ दिया आप लोगों को, अगर आप लोग भी अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में करा रहे हो, ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है हमारा कि शानदार है मोहल्ला क्लिनिक। अब सारे अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। आज हमने 13 नए स्कूलों का उद्घाटन किया, स्कूल ऑफ एमिनेंस। आज लुधियाने के अंदर कौन सी जगह थी वो? इंदिरापुरी के अंदर हमने लुधियाने में एक नए ऐसा शानदार स्कूल, उस स्कूल में मैं चैलेंज करता हूं, अगर उस स्कूल में जितनी फैसिलिटीज है अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला वैसा स्कूल बनाएगा, कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीने की फीस रखेगा। हर क्लासरूम के अंदर शानदार मॉड्यूलर फर्नीचर है, बच्चों के डेस्क हैं, उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, क्लासरूम, हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, क्लासबोर्ड स्मार्ट बोर्ड है, वहां पे एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक लॉन टेनिस है, स्विमिंग पूल है, सरकारी स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है। कभी देखा था सरकारी स्कूल में? पूरे पंजाब में एक भी प्राइवेट स्कूल बता दो जिसमें सरकारी स्विमिंग पूल होगा। मैं आज चैलेंज करता हूं, हम वहां पे बच्चों से मिले, वहां पे कई बच्चे प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के आए हुए थे, पेरेंट्स से मिले, कई पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चा का नाम सरकारी स्कूल प्राइवेट से कटा के सरकारी स्कूल में। यहां पे अमृतसर के अंदर 4 स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, एक बार जरूर देख के आना। नहीं, अब तो 4 खुल गए हैं। पहला जो बना था अमृतसर में बना था, और उसके बाद अब 3 और आज उद्घाटन हो गया, 4 अमृतसर के अंदर स्कूल ऑफ एमिनेंस सरकारी स्कूल। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक बार मेरे कहने से, केजरीवाल रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बार मेरे कहने से अगले हफ्ते के अंदर आप अलग अलग स्कूल ऑफ एमिनेंस देख के आना। जहां आज आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका मन करेगा आप अपने बच्चे को प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल के अंदर भर्ती करा दें। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति में पुण्य कमाने के लिए आए हैं, धर्म के हिसाब से काम करने के लिए आए। ये मौका दिया ऊपर वाले ने, मैं क्या था? मैं कुछ भी नहीं था, एक मामूली सा अफसर था। उसके बाद मैं दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया करता था, नौकरी छोड़ दी थी मैंने बहुत पहले। भगवंत मान क्या था? एक कलाकार था। ये तो आप लोगों का प्यार, पता नहीं पिछले जन्म में कुछ हमने पुण्य कमाए होंगे, आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी हम लोगों को, 7 जन्मों के अंदर भी आपका एहसान नहीं पूरा कर सकते हम लोग। तो जितना मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की, और जितना आज आप जब बोल रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारा ये काम भी हो गया, अब ये बाकी है, सुकून मिल रहा था कि यार जिन लोगों ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया उनका कुछ तो किया हम लोगों ने। आप खुश रहें, यही हमारी इच्छा है। बहुत सारी पॉइंट्स आज हम लोगों ने नोट किए हैं, एक खासकर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बोला है पेमेंट की बड़ी दिक्कत आती है व्यापारियों को कि पेमेंट फंस जाती है, यह सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मुझे खुशी है किसी ने बताया यहाँ पे, दुग्गल साहब ने बताया कि गुजरात में भी तेलंगाना में भी कुछ उन्होंने पुलिस का एक विंग बनाया। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको थोड़ा एग्जामिन करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी सहूलियत दी जा सके। और बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी, एक चीज आपको नोट करनी चाहिए, सबसे बड़ा फर्क पुरानी सरकार और हमारी सरकार के अंदर एक ही है, नीयत का। हमारी नीयत साफ है, अगर हमें पैसे कमाने होते
भाई साहब आज हम इस हॉल के अंदर नहीं बैठे होते। जब मेरे पास मुख्यमंत्री के तौर पे फाइल आती है, उस फाइल पे मैं देखता हूं, अगर मेरे मन की नीयत खराब है, मैं ये देखता हूं इसको कैसे मैं कितने पैसे कमाऊं। जैसे अभी सवेरे लुधियाना में थे, वो प्लास्टिक वाला मुद्दा वहां पे आया कि जी वो जो इसके 120 माइक्रोन तक का प्लास्टिक का वो है, वो दिल्ली में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया और यहां पे पंजाब में क्यों नहीं कर रहे। अगर हमारी नीयत खराब होती यहां पे हम बिल्कुल अनाउंस नहीं करते, उसके बाद हम किसी को भेजते प्लास्टिक यूनियन वालों के पास, वो यूनियन वालों के पास जाता कहते पैसे इकट्ठे करके लाओ सारे। यूनियन से पैसे इकट्ठे होते, एसोसिएशन से पैसे इकट्ठे होते, उसके बाद 120 माइक्रोन को करने का हम पैसा लेते। हमारी नीयत साफ है, 2 मिनट लगे, 2 मिनट वहीं लुधियाने के अंदर अनाउंस कर दिया, हाँ जी हो गया, कल से हो जाएगा। तो हमारी नीयत साफ है, एक एक पैसा आज पंजाब के खजाने का एक एक पैसा आप लोगों के भले के ऊपर खर्च हो रहा है, आप लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। इसीलिए इतने मोहल्ला क्लिनिक, इतनी सड़कें, इतना सब कुछ बन रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने खूब प्यार देके 117 में से 92 सीट दी थी हम लोगों को, आज इसी वजह से हमारी सरकार बनी हुई है। नहीं तो रोज ये बीजेपी वाले कभी किसी एमएलए कभी किसी एमएलए को, अगर आपने हमें 60 सीट दी होती, 65 सीट दी होती, भाई साहब अभी तक ये सरकार गिर चुकी होती, तोड़ चुके होते ये लोग, गिरा चुके होते। जैसे हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है, और इतने राज्यों में देख ली। ये तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, 92 सीट दी थी, अब ये आने वाले चुनाव के अंदर एक 13 की 13 सीट दे दीजिए। इसलिए नहीं कि 13 सीट मुझे इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे अपने बच्चे कहीं सेट करने हैं या भगवंत मान को अपना परिवार सेट करना, हम ठीक ठाक हैं। 13 सीट इसलिए चाहिए कि हमें ताकत चाहिए, पॉलिटिकल ताकत मिलेगी तो हम उनसे लड़ पाएंगे। आज अकेला भगवंत मान बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है, केंद्र सरकार से लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है ये। अगर इसके 13 सीट दोगे, ये 13 हाथ हैं इसके, 13 हाथ बन जाएंगे, वो दिल्ली में बैठ के आपके लिए लड़ेंगे। आज 8,000 करोड़ रुपया पंजाब का रोक रखा है केंद्र सरकार ने, 8,000 करोड़ रुपया आ जाए आप सोचो कितने और काम हो सकते हैं। अगर ये 13 इसके पास अकेले विकास कितना टाइम है, ये चंडीगढ़ में भी बैठता है, पंजाब में भी घूमता है, दिल्ली भी जाएगा, कितना टाइम है? अगर आप 13 सीट दे दोगे, वो 13 के 13 दिल्ली बैठे रहेंगे, उनकी नाक में दम कर देंगे, छाती पे बैठ के सारा पैसा लेके आएंगे आप। तो जैसे आपने पहले आशीर्वाद दिया था, वैसे अब आपका आशीर्वाद चाहिए, 13 की 13 सीट आप दे दीजिए, ताकि पंजाब की जो गति चल रही है विकास की, ये और बहुत तेजी से चल सके। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चोला मेरा रंग दे बसंती।